इस बार बड़े पर्दे पर आ गई हैं श्रद्धा कपूर लेकर अपनी सोलो लीड फिल्म हसीना पारकर। इस फिल्म में वो दाऊद इब्राहिम की बहन का किरदार निभा रही हैं, जिसने दाऊद के कारोबार को मुंबई में जिंदा रखा था जब दाऊद टेरर अटैक्स की वजह से हिंदुस्तान छोड़कर चले गए थे। इस फिल्म में लीड रोल प्ले कर रही हैं श्रद्धा कपूर अलोंग विद अंकुर भाटिया एंड सिद्धांत कपूर। फिल्म के डायरेक्टर हैं अपूर्व लाखिया, जिन्होंने काफी मेहनत की है फिल्म बनाने में। फिल्म का सेट हो, श्रद्धा कपूर का लुक हो या फिर फिल्म के डायरेक्शन का तरीका, सब कुछ कमाल था। बस फिल्म में एक चीज की कमी थी, वो थी एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन। हालांकि फिल्म की कहानी दाऊद इब्राहिम और उसकी लाइफ के कुछ इंसिडेंट्स के इर्द गिर्द घूमती है और फिर पता चलता है किस तरह से ये सारे इंसिडेंट इफेक्ट कर रहे थे हसीना पारकर की जिंदगी को। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि हसीना पारकर ने दाऊद इब्राहिम का बिजनेस संभाला? ऐसा क्या हुआ उसकी जिंदगी में बुरा जिसका वो बदला लेने निकल पड़ी? ऐसे कई सवालों के जवाब देगी ये फिल्म हसीना पारकर। 5 में से इसे मिलते हैं सिर्फ 2 सितारे। श्रद्धा कपूर ने एक्टिंग भले ही अच्छी की है, लेकिन फिल्म में नामी चेहरों का ना होना और फिल्म से स्टोरी लाइन की पकड़ का मिसिंग होना फिल्म के लिए थिएटर्स तक ऑडियंस को नहीं खींच पाएगा।